पटियाला के हल्का घनौर में नए बने पंच और सरपंचों को सम्मानित करने के लिए पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी परनीत कौर पहुंची, जहां पर हल्का घनौर के एमएलए मदन लाल जलालपुर के साथ नए बने सरपंच और पंच और जिला परिषद मेंबरों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने नए बने सरपंचों को मुबारकबाद भी दी और भगवंत मान के श्राप छोड़ने वाले बयान पर परनीत कौर ने कहा कि ये सब सरकार का असर है, जिसके तहत श्राप छोड़ने की बात अच्छी बात है अगर वह श्राप छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ हल्का घनौर के एमएलए मदन लाल जलालपुर ने कहा कि जिस इंसान को एक बार श्राप की लत लग जाए वह कभी श्राप नहीं छोड़ सकता। इस तरह का बयान सिर्फ राजनीतिक जायका लेने के लिए भगवंत मान दे रहे हैं और कुछ नहीं है। इनकी पार्टी में सभी अलग हो चुके हैं, जितने भी लोग थे वह सब पार्टी छोड़कर चले गए हैं। भगवंत मान अपनी राजनीति चमकाने और प्रधानगी लेने के चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे हैं। आजाद टीवी न्यूज के लिए राजपुरा से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ भारत सूद की रिपोर्ट। आज प्रोग्राम जड़े नवे सरपंच और पंच बने ने उन्हां दे नाम दा उन्हां नूं वधाई देंदा है, एक एक नूं मिल के उन्हां दीआं गल्लां सुन के ये प्रोग्राम है अज दा। ते होर जिहड़े कर्जा माफ़ी उहदे बारे भी कोई डिटेल दिओ। कर्जा माफ़ी सारी हुई हुई है, वह 24 तरीक नूं होगा। स्टेट लैवल हैगा, डिस्ट्रिक्ट हर एक MLA अपने अपने हल्के दे विच वह कर्जा माफ़ी देणगे। चलो उम्मीद तो सब नु हुंदी है, बाकी लोग ही दस देने के की होगा की नहीं होगा। चलो चलो पॉलिटिक्स का असर लगता है, बधाई हो उस ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਘਨੌਰਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ITI ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਛੋੜੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਆ, ਪਰ ਛੋੜੇ ਕਾ ਕਬ ਜਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਛੋੜੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਕੇ ਲਈ या उनका मैं आप बाद में देख लेना, आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा उसकी बीवी है। जेड़ा बंदा पीने का आदि हो एकदम नहीं छोड़ सकता, ये सब ड्रामेबाजी है। क्या लगता है भी राजनीति कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही थी भी हम तो सच्चे लोगों के साथ हैं, उनको ये ना भी मेरा एक शराब पीने के नुकसान से मेरे को आगे नहीं ले आया पार्टी, भी मैं पार्टी शराब छोड़ दूंगा, पार्टी का नेता बनूंगा, उसके बड़े बड़े सपने अपने आप का मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पर जो वो आशा दिल में रखी बैठा है, पहले तो लोकसभा मेंबर बन भी गया था, अभी 3-4 महीने रह गए, देख लेना कितनी वोट पड़ती है उसको पंजाब में। जो उन्होंने किया, जो काम करने का वायदा किया, सब झूठ बोला है, अब देख लेना भी कितनी वोट पड़ती है उसको संगरूर से। केजरीवाल का ये कहना है कि भगवंत मान के निमित्त में हमें 13 की 13 सीटें जीतेंगे। मैं कहता हूँ 13 सीटों की जबान तो बचे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। इनकी जो इन्होंने पंजाब के साथ जो पहले लोकसभा मेंबर बने थे, जो 4 मेंबर को इकट्ठे नहीं रख सकते, 13 सीट कैसे जीत लेंगे? आज उनमें से देख लो जितने 13 सीट इन्होंने लड़ाई थी, आज इनके साथ उनमें से कितने मेंबर इनके साथ रह गए? इस करके ये सब ड्रामेबाजी।